यश चोपड़ा बॉलीवुड के वो डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक महान फिल्में दी हैं। 70s में उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शशि कपूर के साथ मिलकर कई फिल्में बनाई जो सफल रही। खासकर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में की जो काफ़ी सक्सेसफुल रही, जैसे कि कभी कभी, दीवार, काला पत्थर, त्रिशूल। 70s के अंत तक यश चोपड़ा का कैरियर बहुत ही रफ्तार में रहा और 70s के अंत तक यश चोपड़ा एक ब्रांड बन चुके थे और यशराज बैनर एक फिल्म कंपनी के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। पर क्या कारण था कि यश चोपड़ा पूरे 80s में ना तो उतनी फिल्मों का निर्माण कर सके और ना ही उतना सफल रहे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री 76 में हो गई थी। उन्हें पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था पर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। 2-3 सालों तक वो यूं ही संघर्ष करते रहे। फिर 78 में जब यश चोपड़ा अपनी फिल्म त्रिशूल का निर्माण कर रहे थे तब मिथुन चक्रवर्ती एक रोल पाने के लिए यश चोपड़ा के ऑफिस गए और उनसे मुलाकात की, पर यश चोपड़ा ने उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया कि वो ऑलरेडी इस फिल्म के लिए पहले से एक एक्टर को साइन कर चुके हैं जिनका नाम सचिन है। सचिन बॉलीवुड में 2-3 फिल्में कर चुके थे और वो सफल भी हो चुके थे और मिथुन मायूस होकर ऑफिस से वापस लौट आए थे। और इसके बाद मिथुन का जब सितारा बदला, उनकी फिल्म सुरक्षा सुपरहिट हुई और वो स्टार बन गए तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। अब दौर था 80s का। 81 के बाद मिथुन की फिल्में लगातार सफल होने लगीं। वहीं 82 में वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। उनकी डिस्को डांसर पूरी दुनिया में छा गई और एक बहुत बड़ा स्टारडम बना लिया था। अब उनके पास हर तरह की फिल्में थी, चाहे वो एक्शन फिल्में हों, चाहे डांसिंग फिल्में हों, चाहे रोमांटिक फिल्में हों, जो हर तरह से सफल हो रही थी। वहीं 81 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म सिलसिला का निर्माण किया। ये फिल्म तो बहुत अच्छी थी पर पूरी तरह से नाकामयाब रही और यश चोपड़ा निराश हो गए। इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम को देखते हुए मन बनाया कि वो मिथुन को लेकर एक फिल्म का निर्माण करें। आखिरकार एक टाइम था जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को रिफ्यूज़ कर दिया था और एक समय ये था जब वो उनके स्टारडम को देखकर एक फिल्म बनाने की सोचने लगे। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई बार मीटिंग की पर बात बनी नहीं। वो मिथुन चक्रवर्ती को एक मल्टी स्टारर फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, जबकि मिथुन दा किसी भी मल्टी स्टारर फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के पास मेन लीड में फिल्मों की बहुत लंबी लिस्ट थी। 81 में सिलसिला के फ्लॉप हो जाने के बाद उन्होंने 83 में मसाल बनाई जो ठीक ठाक रही। इसके बाद यश चोपड़ा किसी भी फिल्म का निर्माण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब उनके पास ना तो कोई स्टार था और ना ही कोई कॉन्सेप्ट, और दौर चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन चक्रवर्ती के दौर में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की फिल्म का निर्माण करें। कॉन्सेप्ट के नाम पर यश चोपड़ा के पास ट्राइंगल रोमांटिक लव स्टोरीज या फिर पारिवारिक मेलोड्रामा हुआ करती थी जो अपनी फिल्मों में पहले दिखा चुके थे। 85 में फासले के फ्लॉप हो जाने के बाद यश चोपड़ा के पास एक ही ऑप्शन था, मिथुन चक्रवर्ती। वो किसी भी तरह से मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म करना चाहते थे जिससे कि उनका कैरियर रफ्तार में आ जाए, पर मिथुन चक्रवर्ती उनके हाथ नहीं आ रहे थे। मिथुन के पास कोई बड़ा बैनर तो नहीं था पर उनकी फिल्में लगातार सफल हो रही थी और मिथुन दा का स्टारडम ऊपर की तरफ जा रहा था। आखिरकार यश चोपड़ा ने हिम्मत करके मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की और उन्हें अपनी एक मल्टी स्टारर फिल्म के लिए मना लिया और कहानी लिखनी शुरू कर दी। ये ईयर था 1987। इस फिल्म में यश चोपड़ा ने मिथुन के अलावा राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को पहले से साइन कर लिया था और स्क्रिप्ट जब बनकर तैयार हुई और मिथुन को भेजी गई और उन्होंने जब अपने रोल को पढ़ा तो वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। मिथुन ने यश चोपड़ा को हाँ तो बोल दी पर वो इस फिल्म को करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेन लीड में बहुत सारी फिल्में थी। यश चोपड़ा इस फिल्म को शुरू करना चाहते थे पर मिथुन चक्रवर्ती उन्हें डेट नहीं दे पा रहे थे। आखिर में जब यश चोपड़ा को लगा कि मिथुन इस फिल्म को शायद नहीं करना चाहते हैं तो उन्होंने इस फिल्म को शुरू किया और मिथुन वाले रोल को अनिल कपूर से करवाया और इस फिल्म का नाम था विजय।
और ये फिल्म सन 88 में रिलीज हुई और कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। तो शायद मिथुन दा ने अच्छा ही किया था इस फिल्म को ना करके, क्योंकि मिथुन के पास ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में हुआ करती थी और 88 में उन्होंने बहुत सारी फिल्में एक साथ की और काफ़ी सफल रही। इस तरह यश चोपड़ा का पूरा 80s यूं ही निकल गया, पर उन्होंने लास्ट 80s में फिल्म बनाई चांदनी, जो काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसमें हीरो थे ऋषि कपूर और श्रीदेवी। पर पूरे 80s में मिथुन के स्टारडम के आगे यश चोपड़ा कोई भी फिल्म का निर्माण नहीं कर पाए और ना ही अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कोई और फिल्म बनाई। तो उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।